Hello students, today we are going to discuss your second chapter of political science, that is electoral process. Electoral process के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें और कुछ जो चीज़ें वो मैं क्लियर कर देती हूँ. पहले तो इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में इलेक्शन होने ज़रूरी क्यों है पहले तो ये देख लेते हैं. एज़ वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है. डेमोक्रेटिक हम कहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जनता उसे खुद चुनती है, ठीक है. वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, ओके. और डेमोक्रेसी में भी अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक, जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल, दैट इज़ लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों को, ठीक है. तो इसीलिए इंडिया में जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है या जिसकी गवर्नमेंट चलने वाली है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर या वो जनता के ऊपर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनती है, ठीक है. और इंडिया में जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है तो इसीलिए हर एक कोई अपना, अपने वेलफेयर के लिए या अपने लिए अच्छा डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता. और इसीलिए किसी ऐसी एक गवर्नमेंट बॉडी की ज़रूरत है या ऐसे एक किसी बॉडी की ज़रूरत है जो हर किसी के लिए या पूरी जनता के लिए जो है एक साथ और उसका एक साथ डेवलपमेंट के बारे में सोचे. और इसीलिए हमारे पास, हम लोगों ने देखा, हमारा एक गवर्नमेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, ओके. और इसीलिए जो है ये उस नज़रिए से ये चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन होता कैसे है, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इलेक्शन जो है वो ज़रूरी क्यों है, कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो इस सारे जो सारे डाउट्स हैं या जो सारी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं, ओके. सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, ठीक है. पहले आप क्या देखने वाले हो, व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि इलेक्शन कमीशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, किन किन लोगों से मिलकर बना है. दूसरा, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कौन कौन से काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है. एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, किस तरीके का प्रोसीजर है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का, ठीक है. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में और रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका मतलब मैं बताऊंगी जब हम पर्टिकुलर इस टॉपिक को पढ़ेंगे. फिर है व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड देन लास्ट वन इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. जो रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जो सुधार होने चाहिए या कुछ चेंजेस आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्शन कमीशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है. क्या कहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस इन आर कंट्री. द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज कैरीड आउट अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो नीचे यहाँ लिखा भी है कि द इलेक्शन प्रोसेस इज एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्रहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. In India, the election commission is central to the process of election. Article 324 of Indian Constitution has established this autonomous body. Autonomous body का मतलब क्या, कि वो किसी भी किसी के अंडर काम नहीं कर रही है. इलेक्शन कमीशन किसी भी, हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी और गवर्नमेंट बॉडीज हैं या ऑफिशियल्स हैं, उसके अंदर काम नहीं करती है, ये ऑटोनॉमस है, सेल्फ कंट्रोल है इसका, ओके. और इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 है, यहाँ पे एक प्रोविजन है जिसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है. इलेक्शन कमीशन का काम यहाँ पे क्या है कि डेट जो होगी, डेट ऑफ डिक्लेयरिंग इलेक्शंस से लेकर डेट ऑफ डिक्लेयरिंग रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, ये सारा काम जो है वो कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है. आगे क्या कहा है कि एक और चीज़ यहाँ पे कही है कि द इलेक्शन प्रोसेस इज़ एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. जब हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेमोक्रेसी और साथ में जो हमारा इलेक्शन है वो आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है. डेमोक्रेसी में जब हम बात कर रहे हैं कि जनता ही जो है अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है या वही डिसाइड करती है कि आगे चल के, आगे 5 सालों में किसकी गवर्नमेंट चलेगी, और इसीलिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा
केपेबल है गवर्नमेंट बना के जो है जनता के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेसी को हम अलग नहीं कर सकते, और इसीलिए कहा है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन की बात तो अपने आप ही आ जाती है। ओके, आगे क्या कहा है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ कंट्रोल जिसके ऊपर है, किसी के अंदर ये काम नहीं करती है और खुद जो है ये सारे प्रोसेस जो मैंने प्रोसेस बताए वो सब जो है उनके उन्हीं के अंडर होता है, ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। या गवर्नमेंट जो भी, अगर जैसे 5 साल की जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन जो है उससे इनसेपरेबल है, या कह लो कि उससे उसके अंडर नहीं है। ओके, और क्या कहा है, विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। ठीक है, और भी होते हैं कई सारे ऑफिशियल्स, बट अगर हम हेड के लेवल, मतलब हेड पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पे एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड है इलेक्शन कमीशन का, और उन्हें असिस्ट करने के लिए 2 और कमिश्नर्स होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है ये इलेक्शन कमीशन है, इसका स्ट्रक्चर मैंने कहा कि क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनका असिस्ट करने के लिए 2 कमिश्नर्स हैं। ठीक है, और यही लोग जो हैं पूरे तरीके से डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन होंगे, ठीक है, कब जो है कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, किन किन लोगों को जो है कौन है जो कैंडिडेट्स, हम जिनकी बात करते हैं जो वोट, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो कौन कौन है जिनको टिकट्स देनी चाहिए, या मतलब जो टिकट लेने लायक है या नहीं है, इलेक्शन के लायक, इलेक्शन में खड़े होने के लायक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है यही लोग देखते हैं। और उसके बाद जो है डेट डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन की, और साथ में वो प्रोसेस से लेके पूरा रिजल्ट तक, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा तय होती हैं। ओके, आगे क्या है, आगे एक और चीज़ आप देखेंगे इंटरेस्टिंग है थोड़ी, यहाँ पे क्या कहा है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर, मतलब यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट करते हैं। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ईजिली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन, दिस इज़ नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं होता है कि वो उसी पोस्ट से या उसी पोजीशन से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाले या उसे उसी पोजीशन से रिमूव करे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई एक रीज़न बता दिया कि भाई शायद कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से या पॉलिटिकल डिस्प्यूट होने की वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने मिलकर तय किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम उस पोस्ट से रिमूव कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या है, मैंने पहले कहा कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये किसी के अंडर काम नहीं करती है, और इसीलिए उसकी इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करे और रिमूव करे। क्योंकि क्या होगा, जब रिमूव होगा तो आपको कोई रीज़न बताना पड़ेगा, और अगर वो रीज़न पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिस्प्यूट्स की वजह से है, या गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हेड रहे या चीफ रहे इलेक्शन कमीशन का, तो दिक्कत है। और इसीलिए जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं बट उनको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन एक हायर अथॉरिटी या कह लो कि एक बहुत पावर इन्जॉय करते हैं, क्योंकि एक ऑटोनॉमस बॉडी गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी जो है ये गवर्नमेंट के अंडर भी काम नहीं कर सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है उसके अंडर इलेक्शन कमीशन काम करे, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब चुनाव आगे होंगे, जब इलेक्शंस आगे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों की क्या हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी चल रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वो मिलीभगत हो जाए और आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें वही गवर्नमेंट वापस जीत जाए। और इसीलिए कहा है कि पूरे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए इलेक्शन कमीशन को किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे क्या कहा है, देर इज़ अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यहाँ पे एक बात और है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके कोई अपने स्टाफ नहीं होते हैं,
ठीक है, आप लोगों ने इलेक्शन में देखा होगा कि कई सारे टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है जब चुनाव हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खुद के कोई स्टाफ नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, साथ में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन के साथ वोटर भी, क्योंकि उतनी पॉपुलेशन तो उससे समझ लो 18 के अबव वाले भी तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए जो है इतनी सारी पॉपुलेशन को एक साथ हैंडल कर पाना, ये इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के लिए तो इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जो है इनके खुद के तो स्टाफ हैं भी नहीं, कमी है, और इसीलिए जो है देश में जो है एकदम स्मूथली जो है इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके, इसीलिए जो है गवर्नमेंट टीचर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पुलिस को, इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शंस में, ताकि स्मूथली जो है इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। और एक और क्या कहा है कि हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक सेपरेट प्रोविजन है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंस की बात हो रही है। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो ये सारे एक्सपेंस जो है वो एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई हैं कि कितना एक्सपेंस जो है हम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कितना एक्सपेंस चुनाव में कर सकती है। ओके, यहाँ पे ड्यूनो में एक सेक्शन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं क्या कहा है। यहाँ ये जो फोटो आप जिनकी देख रहे हैं, ये है सुकुमार सेन, ये इंडिया के सबसे पहले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन होगा, चुनाव होंगे इंडिया में आपसे, तो जो पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। इन 1921 सेन वॉज सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब हमारे यहाँ जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उसके पहले जब 1921 में जो है ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चलता था, तो सुकुमार सेन वहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज में थे। जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ होते थे तो वहाँ पे ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज वाला वो एक ये बहुत चलता था, अभी IAS है। ठीक है, तो यहाँ पे 1921 में जो है ब्रिटिश रूल के अंदर जो है एज ICS जो है ऑफिसर के तहत जो है उन्होंने काम किया था। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1950। यहाँ पे इंडिपेंडेंस कब मिली हमें? 1947 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में बना। और उसी साल जो है सब जब ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शंस होंगे, तो वहाँ उसी साल जो है सुकुमार सेन को हमारा सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, आगे क्या कहा है? मिस्टर सेन इफिशेंटली हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन क्यों कहा है? क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है, पॉपुलेशन तो थी, थोड़ी बहुत थी, आज के कंपैरिजन में तो कम ही थी, बट थी। और यहाँ पे क्या हुआ, तब हमें कुछ पता नहीं था कि इलेक्शन कैसे करना है, वोट कैसे देना है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या जो थी उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरीके से वोट देना है, कहाँ वोट देना है, किसको कैसे देना है, क्योंकि अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, तो ये सारी चीज़ें भी तो हैं। बट पहले जब इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गया, तो ये सारा प्रोसेस और ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी। और फिर भी उस एडवर्स कंडीशन में भी सुकुमार सेन को ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया है अपना, ठीक है, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने इतने एडवर्स कंडीशन में भी जो पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया में, दैट इज़ पीरियड जो है 1951 से 1952 तक का, उसमें बड़े ही स्मूथ तरीके से, यानी बहुत ही स्मूथली जो है इफ़िशेंट मैनर में जो है इलेक्शन को कंडक्ट किया था। ओके, हाँ, ओके, नेक्स्ट आगे क्या कहा है? ये तो अच्छा, यहाँ इसके पहले हमने जो देखा, ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, पर ये जो है हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा। और ये कब से अपने पोजीशन पे आए हैं, यानी चीफ कमिश्नर कब से बने हैं? सिंस 2nd December 2018। ओके, नाउ ही इज़ दी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हमने देखा इसके पहले कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है,
ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि कैसे जो है ये किन किन लोगों से बना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक हेड है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उन्हें असिस्ट करने के लिए दो और कमिश्नर्स हैं, और साथ में मैंने कहा कि इनके कोई स्टाफ नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी सैलरी के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि इतनी सैलरी सबको मिलने वाली है, और साथ में मैंने कहा कि इनके कोई खुद के स्टाफ नहीं होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिसर टीचर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है जब इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, किस तरीके का काम करती है इलेक्शन कमीशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम तो यही है कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कौन कौन आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें वोट डालने वाला है। क्या कहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर एंड इशू आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर। ऐसा होता है, देखो हर साल कोई ना कोई जो है 18 ईयर्स का होता है, तो उसके हिसाब से जो है हमारा जो वोटर लिस्ट है वो भी अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर करते हैं, इलेक्शन कमीशन करती है। वो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट भी बनाते हैं और साथ में जो वोटर्स हैं वो जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी इशू कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है, डिसाइड दी टाइम टेबल एंड दी प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड हाउ मेनी स्टेजेस फॉर ऑल दी स्टेट्स। क्या कहा है यहाँ पे कि टाइम टेबल कैसा होगा, यानी क्या अब जो है डिक्लेयर किया डेट कि यहाँ से जो है इस तारीख से जो है इलेक्शन होने वाले हैं, बट उसके पहले भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे जो कैंडिडेट है, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आगे, कैंडिडेट को नॉमिनेशन भरना पड़ता है, यानी अपना वो इलेक्शन में खड़ा है उसके लिए उसे एक नॉमिनेशन भरना पड़ता है, नाम अपना जाकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को देना पड़ता है, ठीक है। और साथ में फिर उसके बाद वो कैंपेन करता है, ठीक है, तो उसका भी एक टाइम टेबल सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डेट आती है फाइनली कि इस डेट पे जो है इलेक्शन होने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो है डेट आती है रिजल्ट की कि भाई कौन जीता है, कौन सी गवर्नमेंट को, कौन सी पार्टी को मौका मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का। तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में है, जो सारा टाइम टेबल है कि कब क्या क्या होने वाला है या कब कब क्या होना है, ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। ओके, आगे क्या, अच्छा एक चीज़ और कही है कि हाउ मेनी स्टेजेस फॉर ऑल दी स्टेट्स। एक साथ इंडिया में ऐसे तो 29 स्टेट्स है, तो हर जगह थोड़े एक साथ ही एक ही दिन जो है इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव जो होकर गए अभी, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो हर स्टेट में एक साथ नहीं हुए हैं, अलग अलग टाइम पे हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस में हुए हैं, ठीक है। तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ तो उसके बाद यूपी में होगा, फिर उसके बाद बिहार में होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि 29 स्टेट्स है तो सबका एक ही साथ होगा, अलग अलग स्टेजेस उसके लिए डिवाइड किए जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पे इतने लोगों इतने स्टेट्स का होगा, उसके बाद इसकी बारी दूसरे स्टेट की बारी आएगी, उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। आगे एक और फंक्शन कहा है कि स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, डिटेल स्टडी करना, ठीक है। जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार जिसको हम कहते हैं ना कि उम्मीदवार है, कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी पूरे इन्फॉर्मेशन को, उसके पूरे जो वो एप्लीकेशन देता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जैसे अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है तो मुझे पूरा वो एक एप्लीकेशन मुझे पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है, और वो एप्लीकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वो पूरा उसको अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि मैं केपेबल हूँ वो इलेक्शन में खड़े होने लायक या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आती हैं। क्या कहा है, द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइजेज ऑल द एप्लीकेशन एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जो एलिजिबल है, जो सच में जो है लायक है या केपेबल है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो उनको जो है आगे चल के जो है उनको नॉमिनेशन भरने का मौका मिलता है, या फिर उन्हीं को जो है आगे चल के उम्मीदवार जब वो खड़े बनते हैं तो उनको इलेक्शन में लड़ने का मौका मिलता है। आगे क्या कहा है, गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीके से रिकॉग्निशन मतलब क्या, एक पहचान देना ना। तो क्या कहा है यहाँ पे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इट अलॉस इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का खुद का कोई सिंबल होता है, ठीक है। जैसे बीजेपी का क्या है, वो लोटस है, कांग्रेस का ये हाथ है, ठीक है, शिवसेना का वो तीर कमान, ठीक है, और सीटी जो है उसकी सीटी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़, ये जो सिंबल होता है ये कौन देता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है।
ठीक है, और हर एक पार्टी को जो है, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो स्टेट लेवल की ही हो, वो लोगों को जो है पहचान किसकी तरफ से मिलती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये पहचान कैसे मिलती है, जब इलेक्शन कमीशन उनको एक कोई सिंबल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो वो काम भी जो है कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। आपने देखा होगा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमने अभी जैसे मैंने बताया, और भी बहुत सारी जैसे समाजवादी पार्टी है, साइकिल मायावती की जो पार्टी है, जो है उनका आई थिंक एलिफेंट है, ओके हाँ एलिफेंट ही है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको सिंबल भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ में, यहाँ पे क्या इसका मतलब है कहने का, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से सिंबल दिए जाते हैं। और देखो आप जैसे आप देख लेते हो, अगर झंडा देख लिया, ठीक है, जैसे बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, तो आपको पता चल जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है। तो क्या होता है, ये एक पहचान होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो किसके द्वारा मिलती है उनको, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ओके। नेक्स्ट फंक्शन क्या कहा है यहाँ पे, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शन। इलेक्शन को लेकर हमारे यहाँ कई बार कैसा होता है, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, कई बार झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिजल्ट आया, ठीक है, तो कोई पार्टी अगर हार गई है तो वो ये भी क्लेम कर सकती है कि भाई गड़बड़ी हुई है, जो ईवीएम मशीन के थ्रू हम वोटिंग डालते हैं, तो उसमें कह सकते हैं कि भाई गड़बड़ी हुई है कुछ, ठीक है, तो वो भी डिस्प्यूट ही है, तो उस झगड़े को सॉल्व करना। साथ में कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जो कैंडिडेट होता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उसको भी टिकट दे देती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने गलती से जो है उस कैंडिडेट को कहते ना कि एक क्लीन चिट दे दी कि भाई हाँ तू उम्मीदवार बन सकता है, ये कैंडिडेट जो है तू इलेक्शन के लिए तू केपेबल है, तो उस चीज़ को भी लेके डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ देखोगे कि रिलीजियस इलेक्शन को रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि भाई अगर आप हिंदू हो तो हिंदुओं के इस जो रिप्रेजेंटेटिव हिंदू होगा तो कहेंगे कि भाई उसको वोट दो, ठीक है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स जो कि नहीं होने चाहिए वो जब भी होते हैं तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ओके ओके। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक हमने फंक्शन देखा, ठीक है, प्रोसेस में देखना है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं इलेक्शंस के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो प्रोसेस है क्या कहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदी में एकदम सिंपल हिंदी में कहूँ तो उसका मतलब क्या होता है, चुनाव क्षेत्र, ठीक है। हर एक रिप्रेजेंटेटिव का, आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ रहे हैं, कैंडिडेट जो पर्टिकुलर किसी रीजन से, पर्टिकुलर किसी स्टेट से आता है, ठीक है, या वो रीजन में भी कहीं डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो उस जगह वो जो कैंडिडेट है उसका वो अपना चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, वो वहीं से जो है वोट, वहीं से जो है इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, वहीं से उसको वोटों की उम्मीद है, ठीक है। तो वो होता है चुनाव क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं, या मतदाता क्षेत्र भी कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें, ठीक है, जो अभी होकर गए, तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता होगा, आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा होगा, कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यही 543 मेंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में लोकसभा के लिए जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो हर एक किसी का अपना अपना चुनाव क्षेत्र होगा, जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र से आते होंगे, ठीक है, या अपना अपना रीजन होगा जो वहाँ से वो आते होंगे, तो उसी हिसाब से अगर 543 मेंबर्स हैं तो उसी हिसाब से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में इस वक्त, ठीक है। और उसी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या लीडर्स जो हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये डिसाइड करना, ठीक है, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी सबसे पहला काम क्या क्या होता है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना, ठीक है, ये सबसे पहला काम है इलेक्शन का। दूसरा क्या कहा है, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट। मैंने जैसा कि कहा कि हर साल जो है कई लोग 18 ईयर्स के कंप्लीट होते हैं, तो वो लोग अब 18 ईयर्स में आप नहीं दे सकते, पहले आपका वोटर लिस्ट बनेगा, आपका कार्ड बनेगा, आप केपेबल हो या नहीं हो, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। तो उसको टाइम लगता है वोटर आईडी कार्ड आने में, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो अपडेट करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक वोटर जो है वोट ही नहीं डाल रहा कई टाइम से,
ठीक है, तो क्या होता है उसका नाम भी जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमको इस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ से वोट नहीं देना, हमको दूसरे से दूसरे तो वो दूसरी जगह से देना, दूसरे पोलिंग बूथ से देना, तो वो सारी चीज़ें अपडेट करना, ठीक है। वोटर लिस्ट भी जो है ना वो एरिया वाइज जो है वो अपडेट होती है या वो एरिया वाइज बनती है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो सारी जो जो अपडेट सिस्टम है या कितने लोगों को, कितने लोग नए आए हैं, कितने लोग चले गए हैं या कितने लोग कई टाइम से वोट नहीं दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे लिस्ट को अपडेट करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। और यही एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस भी है उनका कि फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, यानी फाइनलाइज करना कि इस साल अब के वोट में इतने, अब के चुनाव में इतने लोग वोट डालने वाले हैं। ओके, थर्ड क्या कहा है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। पहली बात तो आपने जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में अपने आप को चाह रहा है कि वो इलेक्शन लड़े, तो पहली बात तो वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है, और चुनाव से थोड़े दिन पहले जो है उसको नॉमिनेशन, जिसको हम हिंदी में नामांकन पत्र भी कहते हैं, ठीक है, तो नॉमिनेशन फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। उस नॉमिनेशन फॉर्म में उससे रिलेटेड उसकी सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी की हो, ठीक है, चाहे वो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उसका, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है उस नॉमिनेशन फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या प्रोसेस है भाई, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, और क्या कहा है कि जो नॉमिनेशन है उन लोगों का नॉमिनेशन लेना कि कितने लोग जो हैं, कितने कैंडिडेट्स जो हैं, कौन कौन सी जगह से जो है वोट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ में पूरी तरीके से उनके उस नॉमिनेशन फॉर्म को स्क्रिप्टनाइज करना, डीप या डिटेल स्टडी करना कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाई जाती है या कम दिखाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें दिखाना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, तो वो आप, ये भी एक प्रोसेस है इलेक्शन का। दूसरा क्या कहा है, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन को अगर हम सीधी और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या है, इलेक्शन कैंपेन को हम क्या कहेंगे, चुनाव रैली, ठीक है। जो लीडर्स होते हैं, जो भाई उम्मीदवार हैं, अलग अलग जगह पे अपना चुनाव प्रचार करते हैं कि भाई हमको वोट दो, घर घर जाते हैं और कहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे पाप जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट दो, बटन दबाएँ, हमारी कमल का बटन दबाएँ, ये हाथ का बटन दबाएँ, तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, अलग अलग आपने रैलियाँ देखी होंगी, ठीक है, और यही जो है ये भी एक प्रोसेस होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है ना कि चुनाव रैली जो होती है वो इलेक्शन के जिस दिन इलेक्शन होने वाला है, जो डेट है, ठीक है, उसके दो तीन दिन पहले जो है या दो दिन पहले जो है वो बंद कर दी जाती है, फिर कोई भी प्रचार नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करती है कि एक जो कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, वो लोग कितने टाइम तक, उनको टाइम दिया जाता है या कहते हैं ना कि दो तीन वो डेज दिए जाते हैं भाई कि आप इतने दिनों तक अपना चुनाव कर सकते हैं, उसके बाद आप चुनाव नहीं कर सकते हैं अपना, ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इलीगली कर रहे हो तो फिर उसके लिए तो आप अलग ही तरीके से अलग ही तरीके से ज़िम्मेदार हो, पर अगर आप, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तो वो उन्होंने क्या दिया है, डेज दिए हुए हैं, ठीक है, आपको 6 दिन दिए होंगे, 10 दिन दिए होंगे, उसके हिसाब से जो मोस्टली 6-7 दिन का ही टाइम पीरियड मिलता है, और उसके बाद जो है चुनाव से या जो चुनाव की डेट है जिस दिन इलेक्शन होने वाले हैं उसके 2 दिन पहले से ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, ठीक है, 2-3 दिन पहले से बंद हो जाता है, तो कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा है वो वोट वो इलेक्शन का अपने इलेक्शन का इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, यानी अपने चुनाव के लिए जो है वो अपने प्रचार नहीं कर सकता। ओके, आगे क्या कहा है, एक्चुअल वोटिंग, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन हुआ, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वोटिंग, यानी फिर वोट होंगे, सब जो हैं जो 18 इयर्स अबव हैं वो लोग जाके अलग अलग पोलिंग बूथ पे जो उनको असाइन हुई है वहाँ पे जाके जो है वोट डालेंगे। फिर उसके बाद क्या है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ही आता है, काउंट करना कितने, कौन कौन सी पार्टियों को कितने वोट मिले हैं और कौन कौन जो है कौन कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत गई है या कौन कम है, वो सारी चीज़ें, यानी काउंट करना कि कितने कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितने वोट मिले हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और क्या कहा है, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का क्या रिजल्ट है भाई, काउंट किया पहले, ठीक है, तो काउंट करने के बाद जिसको मेजॉरिटी मिली, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, तो वो जीत जाएगी, तो वो रिजल्ट भी जो डिक्लेयर करना होता है वो किसके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में, और ये भी एक प्रोसेस है इलेक्शन का। और क्या कहा है, रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन, जैसा कि मैंने क्या पहले कहा कि कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब रिजल्ट आ जाता है तो
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होती हैं, कह सको कि उस चीज़ से इतनी सहमत नहीं होती उस रिजल्ट से, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, शायद उनकी पार्टी हार जाती है, उनको लगता है कि किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे करप्शन हुआ है या किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसे केस में इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराने का काम किसका है या उसको सॉर्ट आउट करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का, और ये भी हमारे प्रोसेस में ही आता है, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शंस के प्रोसेस में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि ये जो है फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये किसके अंदर आता है, इलेक्टोरेट जो है इलेक्टोरेट इन्फॉर्मेशन के अंदर। और फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन, वो कहाँ पे आएगा, आपके कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो ये क्या है, ये कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है, जो अपने आप को जो चुनाव में लड़ रहे हैं या जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। और ये जो है ये इलेक्टोरेट इन्फॉर्मेशन है, यानी जो इलेक्शंस में जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, वो इसके लिए। सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। पहला क्या मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना, उसके बाद वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करना, और फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स को अच्छी तरीके से डीप डिटेल स्टडी करना, स्क्रूटनाइज करना। और साथ में दूसरा क्या कहा है, इलेक्शन कैंपेन होता है, ठीक है, आप देखो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या 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 कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना दिया, फिर वोटर लिस्ट में डाल दिए नाम, भाई कौन कौन है जो आने वाले वोट चुनाव में वोट डालने वाला है, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, या किसी और गलत काम में तो ये शामिल नहीं है, इंक्लूड तो नहीं। और दूसरा यहाँ पे और फिर क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है, एक बार नॉमिनेशन फॉर्म्स जो है सबमिट हो गया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन कैंपेन कर सकता है, चुनाव प्रचार कर सकता है, रैलियां निकाल सकता है, ठीक है, और अपना चुनाव प्रचार करके भाई लोगों को कहेगा, जनता को, कि आप हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्चुअल वोटिंग होगी, फिर डेट आ जाएगी फाइनली कि भाई इस दिन जो है वोट देना है, और सारे लोग अपने घरों से निकलेंगे और पोलिंग बूथ पर जाके वोट देंगे। और फिर उसके बाद क्या है, फिर वोट वगैरह हो गया, काउंटिंग होगी कि कितने पार्टियों को, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कितनी मेजोरिटी वोटों से जीते हैं, ठीक है, और वही जीत जो मिली है या जितने भी वो काउंट हुए हैं वोट्स, उनको जो है रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस होंगे। और उसके बाद अगर इलेक्शन के रिजल्ट से कोई अगर सहमत नहीं है या कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का काम जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस किसके अंडर रहते हैं, कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करती है। आई बात समझ में आता, आगे बढ़ेंगे। Reorganizing the constituency. See, ये एक बहुत ही interesting हिस्सा है इस chapter का, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा constituency के बारे में मैंने बताया कि ये जो constituency है ना वो कैसे divide होती है, जैसे अगर महाराष्ट्र है, ठीक है, तो इसकी constituency कैसे divide होगी, किस basis पे होगी, कितनी population है महाराष्ट्र में उसके proportionate में होगी, ठीक है, समझ में आया। यानी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उतना आपको ज़्यादा या कम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश करती है या बनाती है, तो वो किसको ध्यान में रखती है, पॉपुलेशन कि उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर रीजन में कितनी पॉपुलेशन है। तो वो भी एक ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्शन कमीशन का। देखते हैं क्या कहा है यहाँ पे, रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्यों यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, क्या कहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर फॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन बिफोर द इलेक्शन। ये इलेक्शन के पहले की बात है, मैंने कहा कि इलेक्शन के पहले की बात है, पहले सबसे पहला काम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो लोकसभा की कौन कौन सी, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि मैंने कहा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है या कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्म करता है, इलेक्शन कमीशन। और क्यों ये क्यों बार बार बनानी पड़ती है, या एक टाइम के बाद क्यों इसकी ज़रूरत लगती है कि वापस से कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्म करना चाहिए या उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्यों कहा यहाँ पे, एज ईयर पास देर वॉज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतते गए, तो क्या हुआ कि कई सारे जो माइग्रेंट्स जो हैं, यानी जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट हुए हैं,
ठीक है, जाहिर सी बात है फॉर दी सर्च ऑफ जॉब। तो यहाँ वो रूरल एरिया से आए हैं सीधा अर्बन एरिया में माइग्रेट हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रूरल एरिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या जो रूरल एरिया का जो पूरा जो एरिया है, एरिया ही कह लो उसे, वो जो है वहाँ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली कम हो जाती है और यहाँ क्या अर्बन एरियाज में ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए क्या होता है डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स इन सम कंस्टिट्यूएंसी स्टार्ट राइजिंग वाइल रिड्यूस्ड इन सम कंस्टिट्यूएंसी। जैसा कि मैंने कहा कि एक जगह पे क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और कहीं जो दूसरी जगह, ठीक है, जहाँ से वो लोग माइग्रेट होकर आए हैं वहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है दिस डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ सीट्स अलॉटेड इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन रिसाइडिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसा कि मैंने कहा कि जो सीट अलॉटेड होती है, ठीक है, कि भाई इतनी सीट पे जो है ये पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो पर्टिकुलर सीट के लिए उसके पीछे पॉपुलेशन कितनी है वो पहले से डिसाइड होती है। और अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि माइग्रेशन हो रहा है पीपल्स, लोगों का यहाँ पे पीपल का, तो दिक्कत क्या होगी कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, जहाँ से वो माइग्रेट होकर आए हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे क्या होता है कि ये इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कम ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, ये डिस्टर्ब कर देता है किस चीज़ को, जो सीट पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेशियो में जो डिवाइड हुई है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इसीलिए जो है इट गिव्स राइज टू द नीड्स टू ऑर्गेनाइज द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसीलिए बार बार कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बार बार तो नहीं होता है बट एक टाइम के बाद अगर ऐसे लगा कि माइग्रेशन हुआ है और कम ज़्यादा हुई है सीट्स जो हैं उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो कम ज़्यादा हुई है, तो ऐसे केस में यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस से ऑर्गेनाइज करना, उसको वापस से बनाना और वापस से उसी रेशियो में उसको डिवाइड करना कि सीट कितनी है और उसके पीछे जिस सीट के लिए जो जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे वापस से ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। आगे क्या कहा है, करंटली देर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा। जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्यों है, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, और इसीलिए अगर एक मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो इसीलिए क्या होगा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो जाएगी। और इसीलिए कहा है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड, जैसे कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कैसे हो रही है यहाँ पे कि सीट और उसके रेशियो में, किसके रेशियो में हो रही है, पॉपुलेशन के, यानी पॉपुलेशन जो अगर कहीं ज़्यादा है तो उस हिसाब से सीट का नंबर जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे कम है उस हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा करना पड़ता है।